जी हाँ, पहले महिला और बाल विकास मंत्री रही केंद्र में मेनका गांधी ने 5 साल तक अपने इस जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से निभाया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अपने बेटे वरुण गांधी के साथ इस लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बावजूद मेनका केंद्र में जगह नहीं मिली। माँ और बेटे में से किसी को भी केंद्र में जगह नहीं मिली। मंत्री पद इस बार मेनका को नहीं मिला, इसीलिए मेनका हर किसी के सवालों का सामना कर रही है। कई सवाल मेनका गांधी के कामकाज को लेकर उठ रहे हैं। क्या बीजेपी इस बार मेनका से खुश नहीं थी? क्या वरुण गांधी के विवादित बयान ही थे जिसकी वजह से उन्हें एक मौका एक युवा सांसद के तौर पर केंद्र में शामिल होने का नहीं मिला? अब इसका जवाब तो बीजेपी ही दे पाएगी, यहाँ के नेता दे पाएंगे। केंद्र में जगह बनाने वाले नेताओं के बीच अगर बात की जाए बीजेपी की मिले उनकी फटकार की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मंत्री परिषद के सदस्यों के समय पर दफ्तर पहुंचने को लेकर अपील करते हुए उन्हें फटकार लगाने की कोशिश की है। हम आपको बता दें, इस रिपोर्ट के जरिए केंद्र से दूर होकर भी मेनका गांधी केंद्र से जुड़े सवालों के निशाने में रहती है। केंद्र में 5 साल तक उन्होंने काम किया था, जिसके बाद सुल्तानपुर में 17वीं लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर क्यों वो केंद्र में दोबारा शामिल नहीं हुई? क्या उन्हें लोकसभा का स्पीकर बनाया जाएगा, प्रोटेम स्पीकर? इस पर भी सवाल थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में मेनका को कदभार नहीं दिया गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो निराशा में डूबी है, ये भी कहा जा रहा है। हालांकि पीएम मोदी की तारीफ में मेनका गांधी खुद को भारी दिल कर बोलने से नहीं रोक रही हैं। और इन सब के बीच पीएम मोदी ने जो ऐलान किया उसकी बात करें तो उन्होंने मंत्रियों को फैसला सुनाया है, जी हाँ, जिसमें मेनका गांधी को इस बार केंद्र से बाहर किया गया। उनसे हटकर मंत्रियों को भी फैसला सुनना ही पड़ा है। ऑफिस का काम घर से करने से बचे और लोगों के लिए उदाहरण पेश करे, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्रिपरिषद के सदस्यों के लिए। उन्होंने बैठक के बाद ये सब कहा कि नई सरकार के मंत्री पद परिषद की पहली बैठक में ये सब होना जरूरी था और नए मंत्रियों को साथ लेकर चलने के लिए भी वरिष्ठ मंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है। राज्य मंत्रियों को बड़ी भूमिका देने की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कैबिनेट मंत्रियों को उनके साथ महत्वपूर्ण फाइलें साझा करनी है। यही कहीं ना कहीं राज्य मंत्रियों में मेनका गांधी का भी नाम शामिल हो सकता है, जिनके साथ काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो। इसे लेकर उन्होंने कहा इससे उत्पादकता बढ़ेगी। सूत्रों के हवाले से ऐसी भी खबर आई कि पीएम मोदी ने फाइलों को तेजी से निपटाने के लिए कैबिनेट मंत्री और उनके सहायक मंत्री साथ बैठक प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। समय पर दफ्तर पहुंचने को लेकर उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है सभी मंत्री वक्त पर पहुंचे। कुछ मिनट का वक्त निकालकर अधिकारियों के साथ मंत्रालय के कामकाज की जानकारी भी लेनी जरूरी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है इससे अवगत होना हर किसी को जरूरी है। आपको बता दें, इस बार गृह मंत्री के जिम्मेदारी को अमित शाह के हाथों सौंपा गया है, जिसे पहले केंद्र में राजनाथ सिंह ने संभाला था। तो वहीं आपको बता दें, मंत्रियों को दफ्तर आना चाहिए, ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर से काम करने से रोका है। उन्होंने कहा पार्टी सांसदों और जनता से भी मिलते रहना चाहिए, यानी कि मेनका गांधी और वरुण गांधी जैसे तमाम जो नेता हैं उनसे, यानी कि उन सांसदों से मिलने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ऐलान है। उन्होंने कहा है अपने अपने राज्य के सांसदों के साथ मुलाकात के जरिए सिलसिला शुरू कर सकते हैं, यानी ये ऐलान मेनका गांधी के लिए बड़ी खुशखबरी से कम नहीं। इस पर भी जोर दिया गया कि एक मंत्री और एक सांसद में बहुत फर्क नहीं होता, यानी कि मेनका गांधी को तवज्जो देने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक मंत्रालय की पंचवर्षीय योजना पर भी बात की। बैठक के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर भी बात यह सामने आई कि सोमवार से शुरू हो रहे संसद सत्र के अधिकतम उपयोग पर प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। बताते चले आपको ये भी जानकारी मिली कि पिछली सरकार में संसदीय कार्य मंत्री तोमर ही थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने केंद्रीय बजट पर सलाह के लिए प्रेजेंटेशन दिया है, ये तो सभी जानते हैं क्योंकि वो नई वित्त मंत्री हैं। लेकिन बजट 5 जुलाई को पेश होना है, इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल को लेकर अगर बात की जाए तो उन्होंने केंद्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय के पंचवर्षीय दृष्टि पत्र पर प्रेजेंटेशन दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में मंत्रिपरिषद की बैठक लगातार होती ही रहती थी और इस बार भी कायम ही चलेगा।
वहीं आपको बताना चाहेंगे मंत्रियों को सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और उनके बारे में जनता को जागरूक करने के तरीके भी समझाए गए हैं और पहले भी और इसको आगे भी बरकरार रखा जाएगा। SBN 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।